डाइलेक्ट्रिक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी और कुछ उसका सॉल्विबिलिटी। तो देखना नेक्स्ट में अपने पास किसी भी कंपाउंड को सोल्यूबल होने के लिए, कंपाउंड को सोल्यूबल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है अपने पास कि BeSO4 इज सोल्यूबल वाइल VaSO4 इज इनसॉल्युबल। Why? इनसॉल्युबल देखना क्या रीजन होता है। अब सॉल्युबल के लिए इतना तो अपने को पता है ना, फोर सॉल्युबिलिटी। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए किससे, लेड आइस एनर्जी से। अब मान लो अगर अरे BeSO4, मतलब पूरा एक पॉइंट है या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है अलग अलग ये टाइप का? क्वेश्चन है रे, ये क्वेश्चन नीचे लिखा है और नीचे आंसर लिख रहा हूं। BeSO4 की अगर बात करें, अगर सॉल्यूबल है इसका मतलब इसकी हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा रही होगी, लेटाइस लेट इज एनर्जी से। क्या पियानो बज रहा है ये कुछ नहीं, उस तेरा नेट BeSO4? खराब हो गया मेरे में, नहीं बज रहा। देखना अगर BeSO4 इनसॉल्यूबल है इसका मतलब है कि इसका लैटाइस एनर्जी ज्यादा होगा किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। ठीक है, इसीलिए वो मानी उदय भी ने इनसॉल्यूबल। अमित सर को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की, पर क्या कह रहे हो अमित उदय सर ने? उल्टा उदय पे ही भड़के। अरे पीयूष आया है क्या? ये दूसरा पीयूष तो नहीं आ गया? ये रीजन है, दो हाँ दो पीयूष है। पीयूष चल यार, पीयूष गया। पीयूष पीयूष अपना माइक ऑन कर ले जल्दी से। अरे दो है सर, दोनों तो माइक ऑन सर, करेगा मेरे को पता चल जाएगा ना। पीयूष दोनों ने कनेक्ट किया, नहीं अरे यार, अरे एक ने डिसकनेक्ट किया। उसको बोलने का मौका तो देगा, देखेंगे का। पीयूष हमेशा वो गया, आप अपना मौका मांग। बाहर गया, हो गया हो गया हो गया। चलो नोट करो। अरे एक बात पूछू तब है अभी हाँ भी पूछो, क्या बात है? सर, कल छुट्टी होगी या नहीं? कुछ है क्या? हाँ सर, कल तो मोहर्रम है। क्या है अरे सर कल? मोहर्रम है, छुट्टी दो। अरे हाँ मोहर्रम सर, मनाते हो नहीं है, उसकी छुट्टी चाहिए तेरे सर को। मनाता है मनाता है। सर स्कूल कौन ने तो मना रही है दी है शादी में सर, अब्दुल्ला दीवाने क्या से? होता मना रहा, मैं एक बार मेरे को भी बताना। ये मना रही शादी फेस्टिवल में होता अब्दुल्ला है, कोई दीवाने सही वर्कर्स जवाब। ने बनाया था चल फिर वो सर। कल तू कल देखेगा भी बताना क्या। ऐसा मत हाँ बताना कि मैंने बनाता है, ठीक है? क्या कह रहे हो? जान माइक माइक ऑन हो बंद, गया है, फर्जी देखेंगे वाले देखना एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रखो ना सर एक एक सेकंड मिनट सर। रखो सर, अरे तो तुम लोग लिखते नहीं हो उधर सर वो मैसेज। बाकी है हो गया हो गया सर, सर। हाँ हो गया सर, हो गया सर, हो गया। उसके सर कोई तो बोला हाँ भाव मत भाव। सर नहीं स्लाइड के नहीं पहले कोई स्लाइड लिखवाई थी? ये पहली हाँ दो स्लाइड है। लिखवा दी। अरे ये पहली स्लाइड है। और ये समझा सकते हो फिर से प्लीज? हाँ देखो लिखा है BeSO4 जो है ना वो सॉल्यूबल है, और BeSO4 क्या है, इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल सॉल्युबिलिटी का रूल क्या है अपना, हाइड्रेशन एनर्जी लैटाइस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। सॉल्वेंट सर, तो इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है कैसे? नहीं दिया है तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है ना, पानी। तो BeSO4 अगर ये सॉल्युबल है इसका मतलब इसके हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रही होगी लैटाइस एनर्जी से, और अगर BeSO4 इनसॉल्युबल है मतलब है कि इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा रहा होगा हाइड्रेशन एनर्जी से। सही पकड़े। हो गया सर। यस सर, यस सर, सर यस सर। हो ए गया। जान बताते क्या होता है मोरम? रहन दे ये तेरे को ना, उस बाद में पूछ लेना वो बातें करके क्लास के बाद। तुम एग्जाम से एग्जाम बता देना इसको मैसेज पे। सर तो मतलब कल हॉलिडे है?
कल का कल देखेंगे ना, अभी पढ़ लेते ना पहले। क्वेश्चन देखना अगला क्या है, लिखा है कोई भी दो जैसे आयनिक कंपाउंड है, बोला ए एफ इज मोर सोल्यूबल देन HCl। कोई भी मान लो दो आयनिक कंपाउंड है तेरे पास, दोनों दोनों क्या है आयनिक कंपाउंड है, ए एफ एंड HCl दोनों क्या है अपने पास आयनिक कंपाउंड है। तो अब यहां आपसे ये पूछा है ना, देखो इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, जैसे ए एफ जो है ये ज्यादा सोल्यूबल है HCl से, इसका मतलब ए एफ भी सोल्यूबल है HCl भी सोल्यूबल है, बट ये मोर सोल्यूबल है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए एफ दोनों के लिए हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा लैटाइस एनर्जी से ज्यादा होगा। अरे दोनों सोल्यूबल है ना, तो दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज्यादा रही होगी, हाइड्रेशन बड़ी होगी। हाँ, बट अगर बात करें एक ज्यादा सोल्यूबल है तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का जो डिफरेंस एफ का होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी ऑफ HCl। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सोल्यूबल है ना, तो इसके हाइड्रेशन मीटिंग रूम में। सर आपने इधर दो डैश क्यों बनाए, कहां पे ये HCl वाले में मोड के बाद एक और ऐसे डंडी, गलती से बन गया होगा। सर आपने इसके पहले कुछ पढ़ाया? हां सर, पिछले वाली साइड करो। अरे पहले इसको देख वासु, ये क्वेश्चन बोला पर आप ये सॉल्यूशन की जगह सॉल्युबल क्यों लिख रहे हो, क्या कह रहे हो, ये सॉल्युबल की जगह सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, मोर सोल्यूबल कौन है वैसा वो है अमान। कहां हो तुम, मुहर्रम मना रहे वाजी क्या? सर ये देखो आपने सोल्यूबल लिखा है पर वो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोल्यूबल ही है। अरे सोल्यूबल ही होगा, सॉल्यूशन क्यों होगा, मोर सॉल्यूशन है क्वेश्चन में, नहीं नीचे solution. अरे नीचे ए वास्तु तुझे आयनिक आयनिक सर इतनी गंदा बात हो रहा है। मुझे लगा कि ये क्या बोल रहा है, बीच के बारे में लगा सॉल्यूशन लिखा है। रुक जा एक मिनट, तो अगर पूछा है एक कंपाउंड दूसरे से ज्यादा सोल्यूबल है, इसका मतलब ये हुआ ना कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, अगर दोनों सोल्यूबल है इसका मतलब दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा रही होगी। और पूछा है ए एफ जो है ना अगर ज्यादा सोल्यूबल है, मतलब है कि ए एफ का जो हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा किससे। सर मैग्नीट्यूड क्यों, मतलब वो हर बार ज्यादा होगा ना, क्यों नहीं ज्यादा होगा, एक ज्यादा सर मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, मैग्नीट्यूड इसलिए लिया है ना अपन कि अरे एनर्जी के टर्म में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ही लगे ना अपन, प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है ना वो क्या होता है, कभी कभी भी हो सकता है, अपन बस मैग्नीट्यूड की बात किए इसलिए मोड लगा दिया। सर तो मतलब जो पिछले क्वेश्चन में भी जो H greater than L था उसमें भी वो मैग्नीट्यूड कंपेयर किया था ना, हां वो एनर्जी पूछेगा तो आप मैग्नीट्यूड लगाओगे। सर F मोर सोल्यूबल है वो कैसे पता चला, ये मैंने दे रखा दिया है क्वेश्चन में। ओके वासु, तो मैं नहीं आया था, अभी अभी ज्वाइन हुआ हूं। कोई नहीं चलता है, वासु इससे पहले भी एक क्वेश्चन करा है, वो सर लास्ट में दिखा देंगे। हां वो मैं दिखा दूंगा अभी, सर अभी दिखा दो ना। अरे क्यों चिंता करता है, पीयूष को भी देखना है। एक सोल्यूबल है दूसरा इनसोल्यूबल है, तो सोल्यूबल होने का रीजन क्या हो सकता है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी। अभी यही हो सकता है, इसको नोट कर लिए क्या सर, रखो तो सही एक बार, हो गया सर, हटा दो सर, सब कुछ हटा दो। हां सर हटा दो, हटा दें क्या हो गया, सर उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी।
रिकवरी हो रहा होगा और के सी एल ओ फोर ठीक है तो देखना कुछ कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा लार्जर इज द साइज डिफरेंस लार्जर इज द साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन कैटायन एंड एनायन मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड बताओ कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा NaCl4 O4 पहला वाला Cl4 ज्यादा सॉल्युबल होगा हाँ सॉल्युबिलिटी या फिर क्या बोल सकते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी NaClO4 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू KClO4 सर पक्के की साइज बड़ी नहीं होती है ना सर हाँ तो मैंने साइज डिफरेंस की बात की है ना डिफरेंस कम होगा हाँ तो सर वो दोनों बाकी के दोनों तो से बाकी तो सेम है तो जिसकी साइज बड़ी होगी तो डिफरेंस उसका बड़ा नहीं आएगा एक मिनट ClO4 ClO4 दोनों में सेम है हाँ उसमें के की साइज बड़ी है एनएस से मेरे को बोलने का तो मौका देना ClO4 मान लिया 50 है ClO4 50 है ठीक है अब Na और K की अगर बात करें अपन Na और K में इसको ले लेते K की वैल्यू 40 तो Na की वैल्यू लेस देन 40 होगी हाँ 30 रखें दोनों का डिफरेंस 20 दोनों का डिफरेंस 10 बड़ा किसका ClO4 का समझ में आया आया सर नोट करो नेक्स्ट है BaF2 सर इसमें किसमें से किसका डिफरेंस देखेंगे या फिर कोई भी चलेगा कोई किसी से देख लो कोई दिक्कत नहीं है मैग्नीट्यूड ही देंगे ना बस हाँ वही मैग्नीट्यूड की बात करते हैं BBr2 BaI2 ABCD दे देते नाम डी का सबसे बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी बतानी है डी इसकी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी डी की सबसे ज्यादा होगी ए बी सी डी हाँ एक ही हाँ बराबर एफ का साइज छोटा है तो साइज डिफरेंस जो है ना वो बड़ा आ जाएगा ना हाँ इसलिए एबीसीडी नोट करो सर इसमें साइज के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ही देखना है ना वो प्लस माइनस नहीं ना मैग्नीट्यूड सर हो गया सर एक मिनट सर सर मुझे अभी तक वो समझ में नहीं है NaClO4 बड़ा कैसे हुआ अब देख अब एक मान ले तू है गुदय है अरे सर दो सर को रखो सर यार ये ले सभी की आत्मा जग गई अब सब्जी मंडी नहीं नोट कर पहले मछली मंडी सब्जी मंडी है मछली तो खाते ही नहीं तुम लोग सर आ जा पाओगे हाँ हाँ आऊंगा आऊंगा पोपट जितने बड़े बड़े मछली थे उधर मछली लाने के लिए गए थे तो कौन सी मछली की बात कर रहे हो अब हाँ। नाम नहीं पता है लेकिन पोपट जितने बड़े बड़े थे और क्या ओ उस दिन मैं आया था तब मैं आप जा रहे थे ना मैं साइड में से दूसरे रास्ते पकड़ लिया और मैं वापिस घर आ गया किलोमीटर
लेकिन पता नहीं मतलब मंदूर पट के तो मैं ऐसे रिटर्न यू टर्न मार ली, अब पता ही नहीं चलता कब 10 किलोमीटर हो गया है इधर सब पता चलता है। को वही कोई ज्ञान को आगे फिर दूसरे काम भी तो करने होते हैं क्या रहे, इसलिए नहीं निकला। सर आप जाते कहाँ तक हो? गन्नू काका के पास। अरे नहीं साइकिलिंग में। हाँ तो काका के पास वही तो वो कहाँ पे वो काका के पास कहाँ पे बस चल देखना कौन कौन से रोशनु सर के दोस्त है। अरे लेकिन जाते कहाँ हो बताओ ना आज आना है काका के पास वो कौन सा जगह था बता दे मेरे को नहीं पता है। ओ सांडिया पुल। अब ओ सांडिया पुल कौन सा सांडिया पुल? हाँ सर वो जामनगर के बाहर जाने का रास्ता है। अच्छा वो वैलेंट कैरेक्टर इन आइनिक बॉन्ड किंचितपुर नहीं है नया आइनिक क्या बोला है किंचितपुल ऐसा बोला इसने मैं कुछ नहीं बोला पजान सुपुल पजान सॉरी हेडिंग है। हाँ ये एडिंग फजान कौन से कंट्री के थे? ईरान का होगा फजान। ईरान का रिलेटिव होगा नहीं को बता भाई फजान। तो नीचे लिखते अभी अपन सर अब समझा रहे थे एनएससीएल पर बड़ा कैसे हुआ अभी तुरंत समझा रहा देखना ये पहले समझा देता हूँ तेरे को NACL4 NACLO4 और एक था KCLO4 किंचुक बता एन ए और के में साइज किसका बड़ा होगा? पोटेशियम का बड़ा होगा एन ए सर के का। अब CLO4 दोनों में कांस्टेंट है ना? हाँ सर CLO4 दोनों में कांस्टेंट है जब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा Na प्लस प्लस CLO4 माइनस और ये क्या बनेगा K प्लस प्लस CLO4 माइनस। देखो ये और ये दोनों कांस्टेंट है आपका दोनों मतलब सेम टर्म है तो जो CLO4 का यहाँ पे साइज होगा मान लिया था इसका साइज कितना हो रहा था 50 50। अब Na और पोटेशियम में किसका साइज बड़ा होगा? पोटेशियम का। पोटेशियम का 40 ले लिया इसका कितना ले लिया 30 ले लिया यही ना। तब दोनों में साइज डिफरेंस देखते हैं साइज डिफरेंस जिसमें ज्यादा होगा तो 50 माइनस 30 कितने हो गए 20 20 और उधर 10 साइज डिफरेंस कितना हो गया 50 माइनस 40 10 ठीक है। तो जहां पे साइज डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी सर। हाँ सर सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड में किसका होगा ज्यादा? सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड पीआर सेम हो गया ना इसका ज्यादा हो गया। ओके हाँ पहले में ज्यादा होगा किंतु समझ में आया एक बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए। हाँ तो किंचुक हो गया उदय हो गया किंचुक पॉपर्ट हो गया देख ले क्या किंचुक एग्जांपल है बस। नेक्स्ट में देखना ये एडिंग बना रखा है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। हाँ सर बना लियो ना पजान पजान का पजान। हाँ पजान पजान Neither any bond is completely ionic. वो वाला? हाँ, 100% ionic. What a factory वाला? Not. It is. Serious educate भी करते हैं लोगों को. 100%. ये जो टेस्ट में बताया था ना? Covalent each. Bond has each bond has mixed character
मिक्स कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड. Covalent and ionic bond, and in ionic bond, any ionic bond, covalent character is determined with the help of Fajans rule. तुम लोग हो ना या चले गए? हाँ सर चले गए. चलो नोट करो. It gives. अरे फजान का रोल क्या है? बता रहे. क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड. अच्छा नहीं रे, नॉट क्वांटिटेटिव. अब कितना कम या ज्यादा वो नहीं बताएगा, बस कम ज्यादा बताएगा. क्वालिटेटिव बताएगा, मतलब कौन सा ज्यादा कौन सा कम है वो बता देगा. कितना ज्यादा कितना कम वो नहीं बताएगा. ये क्या बोल रहे हो? कौन सा कम है ज्यादा नहीं बताएगा, कम ज्यादा बताएगा क्या ये? अरे वैल्यू नहीं बताएगा, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नहीं बताएगा. ये क्वालिटेटिव है और उसका क्वांटिटेटिव है. खाली ग्रेटर देन और लेस देन बताएगा. हां ग्रेटर देन और लेस देन, अब कितना परसेंट ग्रेटर कितना परसेंट लेस ये नहीं बताएगा. व्यूज आ गया समझ में? तो आएगा ही ना, बहुत लोगों को कुछ नहीं बोल रहा था. आता क्या मतलब है? पहले भी आ रहा था समझ में. सर दूसरों को भी पढ़ाना होता है ना, खुद को तो पहले समझ ना आने. देख मैं इधर हो गया क्या? सर एक मिनट. हाँ सर हो गया. वैसे हो तो गया, चिंता नहीं हटा दो. चिंता ये और ये नायन. नायन कुछ लिख रहे हो? लिख तोड़ता है. दूसरा है नायन है, ये अमन बताएगा. बता किस में जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगा, प्लस वाले में या माइनस वाले में? जेड इफेक्टिव प्लस वाले में दोगे ना? प्लस वाले में जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी. ठीक है, और इसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. कम हाँ. इसका मतलब है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? प्लस जो चार्ज है माइनस को खींचेगा ना. हाँ. अरे माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा, तो जब माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो पहले आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा था ये मान लो माइनस है. अब जैसे ही इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा ज्यादा. जैसे ही अट्रैक्ट होगा तो जो इसका एक्चुअल हेफेंड साइज है ना वो थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो बताया नहीं है क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अरे इलेक्ट्रॉन होते ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन की जो बारिश करता है. जैसे मान लो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे ना,
भाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट मतलब इलेक्ट्रॉन वाला जो रीजन हो गया ना उसकी बात कर रहा है। देखो पहले कैटायन था एनायन था, बाद में क्या हुआ कैटायन के पास जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो एनायन को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लॉट ऑफ एनायन क्या हो जाएगा डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म यही वाला जो प्रोसेस होता है ना इसको क्या बोलते हैं अपन पोलराइजेशन। ये देखना ये दोनों फिगर नोट करोगे और मैं इधर लिख रहा हूँ तो आपने पोक के बाद हाँ लिख रहे हैं नोट कर रहे हैं करने की बना रहे हैं सर पहले आप लिख लो फिर हम बनाते नोट। देखो क्या करने का मन कर रहे हैं साइकिल चलाने का साइकिल चलाने का और क्या फिनोमेना ऑफ डिफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन वाई कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन और दूसरा होता है पोलराइजिंग पावर। It is defined for cations and defined as सर जो थोड़ा आप साइड में लिखते हैं ना थोड़ा कट जाता है। अच्छा आपकी बात सुनकर नहीं लिखी आपने आता है सर हमारे में कट जाता है of cation to deform electron cloud of anion मैं थोड़ा सा इधर का बढ़ा देता हूँ ना ताकि दिख जाए। हाँ सर ये कैटायन जो लेंगे हम उसको एक्वियस में लेंगे या फिर गैस में लेंगे? गैस में लेते हैं ना। आपको कहीं कुछ नहीं बोला गया तो हमेशा वो गैस में यूज करता है, जब भी एक्वस बोलेगा ना तो वो ब्रैकेट में लिख देगा। हाँ सर हाँ सर चालू एक मिनट सर क्यों खाना खा के बोल रहा है बोल तू तो उससे ज्यादा बार बोल चुका होगा गाइस। ओहो तेरे बारे में बोल रहा है अमन खाना खाते खाते तूने बोला हाँ दुबे सर से पूछवाते पूछ पा अरे नोट हो गया उदय नहीं नहीं सर बाकी सर एक मिनट ओह क्या एक मिनट पूरा ओवरट हो गया तेरा उसको लास्ट में पूछा चालू किया हो गया अब मैं बता दो अरे नहीं रुको सर बता दो हाँ सर सर पॉइंट बोलेगा दोनों टाइम अभी समझा रहा हूँ क्या होता है पोलराइजिंग पावर तो समझ में आया इट इज डिफाइंड फॉर कैटायंस कैटायन के पास जेड इफेक्टिव क्या बोल रहे हो गया सर हो गया सब चाय हो गया समझ में आ गया ये लिखा हुआ है हां सर समझा तो पोलराइजिंग पावर भी ऐसा कुछ यूनिट नहीं होता ना नहीं नहीं पोलराइजिंग पावर देखने का है इट इज डिफाइंड फॉर कैटायंस एंड डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ कैटायन टू डिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन मतलब जितना इसके पास जेड इफेक्टिव की कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा डिफॉर्म करेगा डिफॉर्म ये वाली एबिलिटी क्या कहलाता है पोलराइजिंग पावर और जो एनायन का एक्चुअल शेप था वो डिफॉर्म हो गया वो क्या कहलाएगा पोलराइजेशन ठीक है
हो गया सर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ राइजिंग पावर. सबसे पहला है पोलराइजिंग पावर का फैक्टर. सबसे पहला साइज ऑफ आयंस. साइज ऑफ आयंस देख पोलराइजेशन पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाई साइज ऑफ कैटायन. अब अगर आपके पास एक PCl3 लिखा हुआ है एक PCl5 लिखा हुआ वो वैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा नहीं पता है. देखो सर ये जो साइज ऑफ आयंस है वो कैसे आया है साइज ऑफ क्योंकि साइज ऑफ आयंस जितना छोटा होगा उतना ज्यादा जेट इफेक्टिव होगा ना इसीलिए. ओके हां देखो PCl3 है PCl5 है तो P पे प्लस 3 रहा होगा और P पे क्या है प्लस 5 रहा होगा ना. अरे P पे प्लस अब किस में जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 में ज्यादा है ना. हां हां सर सर CC क्या है प्लस 5 में ज्यादा है. सीसी कोवेलेंट कैरेक्टर. ओके सर सीसी क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर. पी प्लस फाइव में जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना. और पी डॉट पी क्या है पोलराइजेशन पोलराइजेशन पावर. हाँ अब बताओ पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव है तो पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायंस. तो जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज उसका उतना ही छोटा हो जाएगा ना. हाँ तो साइज अगर छोटा हो जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. समझ में आया हाँ सर. अगर Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस तो Li प्लस का सबसे ज्यादा होगा. नेक्स्ट में B प्लस टू Mg प्लस टू Ca प्लस टू Sr प्लस टू Ba प्लस टू. Li Cl Na Cl KCl बस ये तीन लिखा है मैंने. कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा LiCl LiCl NaCl इसके बाद KCl. अगर आपको आयनिक कैरेक्टर निकालना होता है IC तो क्या हो जाता है KCl NaCl और LiCl. ये कोवेलेंट के नीचे क्या लिखा है आपने कोवेलेंट के नीचे का ये वाला कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर लिखा हुआ है सर. हाँ सर इसमें दिया है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन होता है और हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आयोनिक बॉन्ड ज्यादा सॉल्युबल होता है. तो फिर हमने जो एग्जांपल किया था वो NaClO4 और KClO4 उसमें उल्टा नहीं हो जाएगा कैसे सर मतलब कि कोवेलेंट ज्यादा कोवेलेंट NaClO4 और KClO4 में ज्यादा कोवेलेंट तो NaClO4 होगा ज्यादा कोवेलेंट तो वो कोवेलेंट ज्यादा होगा. तो ये जो जितने भी अपने पास कौन से कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वाटर में क्या होता है इनसॉल्युबल होता है ना. हां तो सर वो हां सर तो उल्टा हो जाएगा ना. जैसे मान ले तेरे पास बात तो सही है सर रखो. अरे सर अरे नोट कर पहले उसको नोट करने दे सर. हाँ, ये सर। वासु सही बोल रहा है NaCl4 मैं समझ गया. अरे सर
गया सर, हो गया सबका सबका कुछ। हाँ सर हो गया सर, समझा दो वो कट तो जाएगा। हाँ सर, सर फिर से रिजाइन करना? नहीं रिजाइन तो भी नहीं करना, 8 बजे से दूसरी क्लास है। NaClO4 और KClO4 ठीक है। इसमें मैंने हाइड्रेशन एनर्जी जो बोला क्या था, जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा, साइज डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। हाँ यही तो पढ़ाया मैंने, तो साइज डिफरेंस ज्यादा कितना हो रहा था, इसमें हो रहा था उसके हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो रही सर। सर वैसे नहीं, ऐसा होता है कि हाँ बोल वासु। हाँ तो सर NaClO4 ज्यादा कोवेलेंट होगा इन दोनों में से, इन दोनों में से NaCl4 ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड होगा।